आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब आप आरएनए की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं आता जो आपके डिफरेंट डिफरेंट बेस पेयर्स ऑब्टेन होते हैं उनके बीच में, तो ये चीज आपके आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या नोटिफाई करती है, क्या सजेस्ट कर रही है हमें? तो हम पहले आरएनए से बात करने से पहले हम डीएनए के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कि जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, 2 स्ट्रैंड्स की स्ट्रक्चर होती है इसमें, ठीक है? और जो आपके 4 कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपकी क्या है, एक डबल स्ट्रैंड, इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो देखिए जो आपका साइटोसिन होता है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हमेशा जो ग्वानिन है उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है? जबकि जो आपका थायमीन होता है ये हमेशा एडेनिन के साथ अपना बॉन्ड पेयर बनाता है। तो जब हम डीएनए मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमने देखा कि जो आपका मोलर अमाउंट्स हैं साइटोसिन का, हम ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ साइटोसिन जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, जो आपका ग्वानिन का अमाउंट है उसके इक्वल होने वाला है। सेम जो आपका अमाउंट है थायमिन का, अमाउंट ऑफ टी दैट मीन्स थायमिन, ये इक्वल होगा आपके अमाउंट ऑफ एडेनिन के, क्योंकि डीएनए में हमेशा इसी बेसिस पे आपकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, कि जो आपका साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है और थायमिन जो है वो आपका एडेनिन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो जितना सी होगा साइटोसिन उतना ही तो आपका ग्वानिन होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी के साथ बॉन्डिंग करता है और किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, तो इक्वल अमाउंट में होते हैं। जबकि उन्होंने बोला कि जो आपका आरएनए है उसमें ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये जो आपके 4 बेस पेयर्स हैं, आरएनए में जो आपके बेस पेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका साइटोसिन, एक होता है आपका ग्वानिन, एडेनिन और एक होता है आपका यूरासिल, ये डिफरेंट होता है आपका, ठीक है? अब आरएनए में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कि आरएनए जो है उसकी इस टाइप की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर नहीं होगी और उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स नहीं होंगे। तो इस चीज से ये पता चलता है कि जो आपका आरएनए है ये क्या है, आपका सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि अगर ये आपका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती इसकी तो इसमें भी जो ये आपके बेस पेयर्स हैं इनके अमाउंट में कुछ ना कुछ रिलेशन आता है, इनका अमाउंट इक्वल होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो आपका आरएनए है ये क्या है, सिंगल्स।